जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर मुश्ताक और वेलकम टू यूट्यूब चैनल मुश्ताक फ़ोटोज़। जी आज की वीडियो जो है वो बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इमेच्योर्स हैं, क्योंकि हमें काफ़ी किस्म की जो है वो क्यूरीज आ रही थी क्लाइंट्स के हवाले से कि लोग हमें फ़ोन करते हैं या वैसे फिज़िकली मार्केट विज़िट करते हैं तो उनका पहला सवाल होता है जी हमें DSLR कैमरा चाहिए या फिर DSLR कैमरा कितने का है। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं क्लाइंट को समझाना। उनमें से एक चीज़ ये है कि उनको बेसिकली DSLR कैमरे की बिल्कुल भी नोहाव नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो मार्केट आते हैं, आके वो ऐसे ही शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, उनको कहते हैं हमें DSLR कैमरा दे दें, तो वो कोई भी कैमरा उनको उठा के किसी भी किस्म का विद 18-55 स्टैंडर्ड लेंस पकड़ा देते हैं और जब वो बेचारे घर जाके जो उनका पर्पस है, जो उनकी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करते हैं तो वो उनकी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री डे बाई डे नीचे जा रही है। लोग कैमरों को पसंद करना छोड़ गए और वो प्रायोरिटी देते हैं मोबाइल्स को। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि DSLR कैमरा का मेन मकसद क्या है और हमें इसकी नीड, हमें इसकी रिक्वायरमेंट का पता कैसे चलता है। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंड तक देखें, क्योंकि इसमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी बातें बताई जाएंगी अकॉर्डिंग टू लेंजेज, अकॉर्डिंग टू कैमरा, कौन सी बॉडी आपको लेनी चाहिए अगर आप इमेच्योर हैं, किस तरह के लेंजेज आपके पास होने चाहिए सस्ते बजट के अंदर अंदर। ठीक है जी, आप शुरू करते हैं। DSLR बेसिकली जब भी क्लाइंट आता है वो कहता है हमें DSLR कैमरा चाहिए। DSLR कैमरा इट्सेल्फ कोई एक सॉलिड चीज़ नहीं है, अगर जब तक आपको इसके स्पेक्स और इसकी कोर चीज़ें ना पता हों। DSLR का प्रॉपर कम्बिनेशन उसके प्रॉपर लेंजेस के साथ बनता है। पहली चीज़ तो ये, आप कभी भी मार्केट DSLR लेने आएँ, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इमेच्योर्स हैं उनको समझाने का एक तरीका है। जब भी आप मार्केट आएँ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी नीड क्या है, मुझे किस तरह का लेंस चाहिए, मुझे किस तरह की बॉडी चाहिए। मेरा कहने का मकसद, मेरा बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या है। उसमें ये होता है, कुछ बंदे आते हैं वो कहते हैं जी मैंने व्लॉग्स करने हैं, व्लॉग्स के लिए जो मोस्टली दुकानदार हैं वो उनको रेफ़र कर देते हैं जी आप कोई भी कैमरा ले लें, 7-18-55 का स्टैंडर्ड लेंस ले लें या आपको मिररलेस ले लें, उसके साथ जो उसका स्टैंडर्ड लेंस आता है वो ले लें। और वो जब बेचारे जाते हैं आउटडोर में ज़्यादा लाइट में उनका बिल्कुल बेहतरीन चल रहा होता है, पर जब वो रात के टाइम एक्सपोज करते हैं तो आपकी बॉडी का ऑटो ISO, जो ISO का मतलब है बेसिकली एक आर्टिफिशियल लाइट होती है कैमरे की, वो आपको प्रोवाइड करता है, उसके साथ जब वो बढ़ ऑटोमेटिकली जब आपका लेंस लो लाइट नहीं होगा तो वो ISO बढ़ जाएगा। जब आपका ISO बढ़ेगा तो आपकी वीडियो में आ जाएंगे ग्रेन्स, जिसको हम कहते हैं जी कभी कभार मेरे कैमरे के पिक्सल फट गए। वो बेसिकली कैमरे के पिक्सल फटना नहीं होता, वो आर्टिफिशियल लाइट की वजह से उसमें कैमरा ग्रेन दे देता है। तो जब आप बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं आप कहते हैं यार मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, DSLR अच्छा नहीं है, बेसिकली बैक एंड पे हमारे पास लेंस अच्छा नहीं होता। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको किन किन लेंजेस की ज़रूरत है, अगर आपका नेचर ऑफ वर्क कुछ भी है, आपको 3 से 4 लेंस इस तरह के हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। उसमें पहला लेंस आपका आया था ये जो किट लेंस है, ये 18-55। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि 18-55 बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लेंस है। 18 मिलीमीटर का मतलब है वाइड और 55 मिलीमीटर का मतलब है ये जूम करता जाएगा, जिस तरह आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता हो, ये 18-55 का ये लेंस है। अब ये देखें, ये 18 मिलीमीटर पे इस टाइम है, जिस तरह मैं इसको ऊपर जाता जाएगा फिगर 24, 35, 55 ये जूम करता जाएगा। ये आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज चीज़ें प्रोवाइड कर देता है कि आप एक लेंस से वाइड एंगल भी कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, और उसके दरमियान में अगर कोई आपके पास फोकल लेंथ आती है या जूम इन जूम आउट की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सस्ते पैसों में तो बहुत अच्छा है, सस्ते पैसों में ये लेंस बहुत अच्छा है। देखें, जिस कोई भी चीज़ है अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसमें सेम द टाइम उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये लो लाइट नहीं होता, इसका अपर्चर जो है वो इसका होता है 3.5 से 5.6। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको जिस तरह 18 पे है, ये इसका अपर्चर होगा 3.5। अपर्चर क्या है, मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा आप डिटेल में अपर्चर क्या है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जिस तरह मैं इसको जूम करूंगा 18 से आगे ऑनवर्ड, ये एक स्टेप खाता जाएगा। कहने का मकसद है कि अगर आप मैनुअल पे वीडियो बना रहे हैं और आपकी शटर स्पीड 30 है या 60 है और आपका ISO 800 है या 400 है,
आपने इसको अगर 18 पे रखा हुआ है तो इसका अपर्चर होगा 3.5। जिस तरह आप इसको जूम करेंगे ये 3.5 से ऊपर जाता रहेगा, 3.5 से जाएगा 4 पे, 4.5 पे, 5.0 पे, 5.6 पे, थोड़ा थोड़ा एरिया जो आपकी वीडियो बन रही है उसको थोड़ा सा ब्लैक करता जाएगा। उसमें फिर क्या करना होगा आपको, यहाँ तो ISO बढ़ाना होगा या आपकी जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी और नीचे लानी पड़ेगी ताकि आपकी लाइट ज़्यादा एंटर हो। एक ऑप्शन आ गई है, सेकंड ऑप्शन आपको मिलती है इसमें 50 mm ये जो है इसका फिक्स लेंस है, ये ना तो जूम इन करता है ना जूम आउट करता है। अगर आपने अपनी बॉडी पे लगा दिया तो इसमें आपको तो यहाँ अपना सब्जेक्ट आगे पीछे करना पड़ेगा या आपको अपना कैमरा और आपको खुद आगे पीछे होना पड़ेगा वो स्पेसिफिक शॉट लेने के लिए। इसकी फोकल लेंथ है 50 mm, इसका अपर्चर होता है 50 mm 1.8 इसका अपर्चर है जो कि बहुत ही लो लाइट है। अब ये लो लाइट क्या करता है, ये जिस तरह आपने काफ़ी इमेजेस देखी होंगी आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लोग तस्वीर खींचते हैं तो पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है, वो इससे होती है। और अगर हमारे पास एक कमरे में प्रॉपर लाइट नहीं है या जहाँ हम काम कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर लाइट नहीं है, तो अगर हम ये 50 mm लगा के इसका अपर्चर हम पूरा खोल दें 1.8 पे ले आएँ तो हमें बड़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड कर देता है ये, हमें एक्स्ट्रा लाइट देने की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती, ठीक है, ये इसका काम है। थर्ड ऑप्शन 55-250, ये कैनन के लेंसेज हैं, वो कोई भी कंपनी हो, कंपनी मैटर नहीं करती, समझाने का मकसद है ये 55-250 है। इसमें फिर एक फर्दर लेंस आता है जो कि मेरे पास पीछे डिस्प्ले में है, मैंने वो उतारा नहीं है, उसको हम बोलते हैं 75-300, ठीक है। 75-300 और 55-250 बेसिकली इनका काम है जूम लेंसेज का। आप आउटडोर जा रहे हैं, आपने कोई दूर की चीज़ को करीब करना है तो आप वहाँ पर यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। और जब आप इसको किसी भी सब्जेक्ट को जूम इन करके तस्वीर बनाएंगे, जारी बात है वो ऑटोमेटिकली करीब आ जाएगा तो वो बैकग्राउंड ब्लर भी कर देगा, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर करेगा। और उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी है कि आपके पीछे जो सब्जेक्ट आपका खड़ा हुआ है या जो बंदा खड़ा हुआ है जिसको आप एक्सपोज कर रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल पीछे ना हो, थोड़ी सी दूर हो, ताकि वो उस बैकग्राउंड को इल्यूजन क्रिएट कर दे, धुंधला कर दे, ब्लर कर दे, ठीक है। अब ये तीनों लेंजेज 18-55, 50 mm और 55-250 या 75-300, ये तीनों लेंजेज कैनन के तकरीबन 222-224 लेंजेज का निचोड़ है। कैसे, 18-55 एक लेंस, जहाँ पे 55 ख़त्म हो रहा है वहाँ से 55 शुरू होके आगे ऑनवर्ड हमें मिल रहा है 250 तक दूसरा लेंस। तीसरा लेंस हमारे पास आ गया जो लो लाइट में अगर हमने काम करना है पोर्ट्रेट्स के लिए, ये तीन लेंस मिला के एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनता है। अगर आपके पास बजट है तो आप ये तीनों लेंजेज लाजमी लें, अगर आपके पास बजट नहीं है तो जो लेंस आपके नेचर ऑफ वर्क के मुताबिक सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है पहले आप वो ले लें, ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि बॉडी, हर बंदे का नेचर ऑफ वर्क मुख्तलिफ है, किसी को बॉडी के अंदर ऑप्शन चाहिए ऑटो फोकस वीडियो की, किसी को ऑप्शन चाहिए रोटेटेबल स्क्रीन की, किसी को ऑप्शन चाहिए टच स्क्रीन की, किसी को वाईफाई चाहिए, किसी को स्टिल इमेजेस, उसका काम स्टिल इमेजेस का है, उसको मेगापिक्सल अच्छे चाहिए, 24 चाहिए, 18 चाहिए। तो हर बंदा पहले आप ये अपनी नीड देखें कि आपकी नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आप मार्केट आएँ, ताकि आपको पता हो कि ये दुकानदार मुझे अगर कोई चीज़ दे रहा है तो फायदे में है कि मेरे नुकसान में, क्योंकि मैं तो ले जाऊंगा और उसके बाद वापस मैं उसे कहूँगा वो उसके पैसे काटेगा। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ का, अब दूसरी चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि मैं जब घर से निकला हूँ, मैं कोई चीज़ लेने आया हूँ तो मुझे बेसिकली मेरे कैमरे की या जो मैं DSLR ख़रीदने आया हूँ उसकी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा नेचर ऑफ वर्क कैसा है, मुझे किस तरह का कैमरा चाहिए, मेरी अगर फोटोग्राफी के रेलेवेंट मेरा काम है तो मैं गौर करूंगा कि किस कैमरे के मुझे कलरिंग अच्छी मिल रही है, किसके मुझे मेगापिक्सल अच्छे मिल रहे हैं, किसका मुझे ISO रेंज अच्छी मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं वीडियो की बात करूंगा, वीडियो में मुझे ऑप्शंस चाहिए कि कौन सा कैमरा मुझे ऑटो फोकस वीडियो दे रहा है, और वीडियो में क्योंकि आपको पता है आपकी स्क्रीन रोटेटेबल अगर आप ब्लॉगर हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि मैं जो कैमरा परचेज कर रहा हूँ उसमें माइक इन की ऑप्शन होनी बहुत लाजमी है, ठीक है, बहुत लाजिम है। बहुत सी चीज़ें और बताने को हैं, अगर मैं वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में कर दूंगा तो एक तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, ठीक है। जो बेसिक चीज़ आज की मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप DSLR लेने आए हैं, हमारे पास एक सवाल होता है कि जी मुझे, जब भी हम दुकानदार किसी के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम कहते हैं जी हमें DSLR चाहिए, जी DSLR कितने का मिल जाएगा, अच्छा DSLR कितने का है। अब बात करते हैं कि अच्छा DSLR कितने का है। अच्छा DSLR अगर आप किसी से भी सवाल करेंगे, चाहे वो मेरे से करें या जिससे मर्ज़ी करें, तो ना तो मैं इस चीज़ का जवाब दे पाऊँगा ना कोई और दुकानदार दे पाएगा अगर उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कैमरास के रेलेवेंट।
अच्छा DSLR देखें, मेरे पास अगर 50,000 है, मेरे पास 1,00,000 है, इवन तो मेरे पास अगर 5,00,000 भी है, तो मैं अच्छा DSLR की करेक्टरिस्टिक्स पूरी नहीं कर सकता। बेइंतहा किस्म के लेंजेज हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होंगे। कोई भी ऐसा लेंस, अगर आप 5,00,000 का भी कोई ऐसा लेंस लेते हैं, कोई भी लेंस ले लें, बेशक 5,00,000 का ले लें, और आप समझते हैं कि ये 5,00,000 का लेंस मेरे सारे काम कर देगा, तो वो झूठ है, कभी नहीं करेगा। हर लेंस की अपनी एक नवयत होती है, अपना एक काम होता है, वो सस्ता भी हो सकता है, वो महंगा भी हो सकता है। हर लेंस की अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, 18-55 की अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, 50mm की अपनी है, 55-250 की अपनी है, 70-200, 72-200 f/2.8 उसकी अपनी है, 85mm पोर्ट्रेट लेंस 1.8 उसकी अपनी है, 24-105 f/4 उसकी अपनी है। कोई भी लेंस एक दूसरे की करेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करता। काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें मैच कर सकते हैं, बट टोटली अगर आप कहें कि मैं एक लेंस ले लूं और मैं सारे काम उससे करना चाहूं, तो वो झूठ है, वो आप नहीं कर सकते। तो जब भी आप घर से कैमरा लेने आएँ, अपना माइंड मेकअप करके आएँ कि मेरी नीड क्या है, मुझे चाहिए क्या। और कभी भी आप कोशिश करें उस दुकानदार के पास जाएं या उससे चीज़ ख़रीदें जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और वो आपकी हेल्प कर सके। वो टिपिकल दुकानदार बन के आपको चीज़ ना बेचे, बकायदा आपकी रहनुमाई करे, आपकी हेल्प करे कि यार अगर मेरे पास चीज़ नहीं भी पड़ी तो आप ये ले लें, 2 दिन बाद आ जाएगी, 4 दिन बाद आ जाएगी, ये इशू नहीं होता, पर उसको प्रॉपर वही चीज़ लें। ऐसे ना करें कि आप कैमरा ले गए उसके भरोसे चले जाएँ और बाद में आप घर जाएँ, आप देखें यार मेरी तो वो रिक्वायरमेंट पर उतर ही नहीं रहा, आप दोबारा वापस आएँ, आप कहें जी ये कैमरा वापस ले लें, वो फिर कहें जी मैं इतने परसेंट काटूँगा, मैं ऐसे करूँगा, तो आपको तो लॉस है। तो जब भी आप घर से निकलें, कोई भी कैमरा देखने जाएँ, पहले तो अपना घर में रिसर्च करें, दूसरा अपनी रिक्वायरमेंट्स देखें कि मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, मुझे बॉडी किस तरह की चाहिए, आगे मैंने लेंजेस उसके किस तरह के लगाने हैं। इंशाल्लाह मैं आगे भी हम लोग फर्दर इसके लेंजेस की प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स की वीडियोस भी बनाएंगे, बॉडीज़ की भी बनाएंगे, प्रॉपर फोटोग्राफर्स के लिए भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनेगी, वीडियोग्राफर्स के लिए भी बनेगी, और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच।